पिछले क्लास में हमने ए इनवर्स सीखा था आव्यूह से, उसका सहखंडस सीखा था। इस क्लास में हमको सीखना है आव्यूह द्वारा रैखिक युगपत समीकरण का हल। अब देखो ये है क्या, पहले इसके बारे में हम सुन लेंगे। आव्यूह द्वारा रैखिक युगपत समीकरण का हल मतलब क्या होता है? आप युगपत समीकरण जानते हैं? आप क्लास टेंथ में पढ़े होंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, बोले पढ़े थे। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब दो एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री है और थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू सेवन। ये देखो इसमें दो चर राशियां और ये युगपत समीकरण कहलाता है, ठीक है? दो चर राशि है ना। तो क्लास टेंथ में हमने सीखा था हल करने के लिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, कई विधियां हमने सीखा था। इन विधियों का ही प्रयोग करके हम इन समीकरण को हल करते थे। अब यहाँ हमको क्या सीखना है, इन समीकरण को हल करने के लिए हम आव्यूह का यूज करेंगे। आव्यूह द्वारा इन समीकरण को हल करें, और आपको पता है आव्यूह द्वारा समीकरण को हल करते हैं तो सहखंडज विधि से हल करना। यहाँ दो विधियाँ हमको सीखना है, आव्यूह विधि और एक होता है क्रैमर का विधि। एक क्रैमर की विधि पे हमको युगपत समीकरण को हल करना है। यहाँ हम तीन चर में रैखिक समीकरण को भी हल करेंगे और दो चर में भी रैखिक समीकरण को हल करेंगे। देखो ये दो चर में है, अगर मैं तीन चर की बात करें तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मान लो सेवन, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड इक्वल टू एट, और आ गया सेवन एक्स माइनस थ्री वाई प्लस एट जेड इक्वल टू जीरो। अब देखो ये भी एक युगपत समीकरण है, लेकिन यह कितने चर में है, तीन चर में है, और यह भी एक युगपत समीकरण है। कितने चर में? दो चर में। यहाँ x और y चर है, इसमें एक्स वाई जेड तीन चर। बोले इतना समझ रहे हो ना। इसी समीकरण को हल करने के लिए हम आव्यूह विधि का प्रयोग करने वाले हैं। अब यहाँ हम ये विधि तो हल किए थे, इस टाइप के समीकरण को हम हल किए थे। हम डायरेक्ट क्या करते थे, विलोपन विधि लगा देते थे। विलोपन विधि मतलब ये बराबर हो जाता था, मतलब इसमें पाँच का गुणा कर दीजिए। अभी देखो ये पाँच वाई हो जाएगा, ये पाँच वाई है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सवाल हल हो जाता था, एक्स का वाई का मान निकालेगा। लेकिन अगर मैं तीन चर वाले समीकरण को आपको हल करना हो तब तो बड़ी दिक्कत होगा। तीन चर वाले समीकरण अगर हम एक्स को विलुप्त करते हैं तो वाई जेड बच जाएगा, ठीक है, किसी एक ही को एक टाइम विलुप्त कर पाते हैं। तो तीन चर वाले रैखिक समीकरण को यहाँ हल करने के लिए हम आव्यूह विधि का यूज करेंगे, ठीक है, आव्यूह विधि का यूज करेंगे। इसमें तीन चीज़ें बनेंगी, ठीक है, तीन चीज़ें बनेगी, ध्यान दीजिए। कैसे बनाएंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम एक आव्यूह बनाते हैं। और कैसे आव्यूह बनाते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें कितनी चर राशियाँ हैं, तीन चर राशि। इन चर राशियों को हम कैपिटल एक्स द्वारा प्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना। चर राशियों को किससे प्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स बराबर चर राशियाँ एक्स है, वाई है, और क्या है, जेड। बोले इतना समझ में आ रहा है, चर राशि एक्स वाई जेड। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में एक्स वन वाई वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री दिया होगा तो कैपिटल, ध्यान देना, तो कैपिटल एक्स बराबर वहाँ एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, ध्यान दो, इसी क्वेश्चन में ये होता है एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री इक्वल टू मान लो एट होता, तो तीन चर राशियाँ हैं इसमें भी, ध्यान देना, तीन चर राशियाँ इसमें भी है, लेकिन यहाँ चर राशि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें बस ये डिवाइडेड समझ लो, एक्स तो हम समझ गए, जो चर राशि है उसको हम कैपिटल एक्स से प्रेजेंट करेंगे, इतना समझ में आ रहा है। दूसरी बात, एक ए क्या होता है, ए भी समझ लो, ए क्या होता है, ए क्या होता है, जो चर राशियों के साथ है उनका आव्यूह ए होता है। चर राशियों के साथ कौन कौन है, ध्यान दीजिए, पहले इसके लिए हम देखो एक्स के साथ यहाँ बताओ कौन सा अंक है, एक है, यहाँ एक लिखेंगे। वाई के साथ कौन सा अंक है, एक लिखेंगे। जेड के साथ कौन सा अंक है, एक लिखेंगे। बोलो समझ में आया? फिर इसके नीचे इसके लिए बनाएंगे दो है, अंक सिर्फ लिखना, तीन है माइनस चार है। बात समझ में आ रहा है? फिर सात है माइनस तीन है और कितना है, आठ। ये ए बन गया, बोलो ए बना लोगे। अगर किसी क्वेश्चन, एक बात यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, किसी क्वेश्चन बाय द वे बात समझना, अगर कहीं आ गया डायरेक्ट ही, ध्यान दीजिए, टू एक्स प्लस फोर जेड इक्वल टू एट आ गया, कितनी चर राशियाँ हैं,
दो, लेकिन एक के बाद यक्स के बाद जेड आएगा, यक्स के बाद वाई आता है ना, इसमें वाई हम जीरो मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिए, टू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस फोर जेड मान के जब आप ये बनाएंगे तो वाई वाले का अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब दो चीज़ हम बना लिए हैं, एक चीज़ और बचा है। एक देखो, ध्यान देना, जब इस टाइप तीन चर वाले समीकरण को हल करना या दो चर वाले समीकरण को हल करना तो उसमें तीन चीज़ें लेनी हुई हैं हमको। पहले यक्स लेना है, यक्स का मतलब चर राशियाँ, ए का मतलब इनके साथ जो अंक होगा, और बी का मतलब जो होता है जो इक्वल के साइड में, मतलब ये जो बराबर के बाद है सात आठ जीरो, ये बी होता है। बोलो इतना समझ रहे हो जी, इतना कर सकते हैं आप। क्या क्या करना है आपको, तीन चर वाले युगपत समीकरण में देखो, ये आप भी हो द्वारा रैखिक युगपत समीकरण हल करना, तो ये देखो रैखिक युगपत समीकरण, अगर यहाँ आपसे यक्स पूछा जाए, ध्यान दीजिए, यहाँ आपसे यक्स पूछा जाए तो चर राशि कौन कौन है, यक्स और वाई है, और जब ए पूछा जाए तो मैट्रिक्स टू बाई टू का बनेगा, क्या बनेगा, पहले दो, इसके साथ क्या है एक, इसके साथ थ्री, इसके बाद साथ फाइव, ये ए हो गया, और बराबर के बाद जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बी, उसका मान बताइए थ्री से। बोले इतना कर सकते हो, इतना यदि कर लोगे तो आगे भी कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आगे वही पुराना चीज़ हमको करना है, जो ए इनवर्स निकालना सीखे हैं पिछले वीडियो में, वही चीज़ फिर सीखना है हमको, ए इनवर्स सीखना, और कैसे सीखना ध्यान दो, इतना समझ में आ रहा है ना। अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को पूरा बकायदे बता रहे हैं, ठीक है। समीकरण हल करने की दो विधियाँ हैं हमने बताया, एक पहली जो विधि है वह कौन सी विधि है, आव्यूह विधि, मैट्रिक्स मेथड, कौन सी विधि है, मैट्रिक्स मेथड, और सेकेंड जो विधि है वह क्रैमर का नियम, समझ रहे हैं, क्रैमर, क्रैमर एक नाम है, क्रैमर का नियम है। तो हम अभी कौन सी विधि सीख रहे हैं, आव्यूह विधि से सीख रहे हैं, याद रखना, पेपर में आपके ये पूछेगा कि बताइए, ये वो पूछेगा कि निम्न समीकरण निकाय को क्रैमर विधि से हल करिए, तो आप जो बताने जा रहे हो वो नहीं लगाएंगे, ठीक है, जो बताने जा रहे हो वो नहीं लगा। अगर ये पूछता है कि निम्न समीकरण निकाय को आप आव्यूह विधि से हल कर रहे हैं तो आव्यूह विधि ही लगाइएगा, आव्यूह विधि भी बताने जा रहे हैं, क्रैमर विधि इसके बाद बता देंगे, और याद रखना क्रैमर विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे जल्दी आव्यूह विधि से जल्दी क्रैमर विधि आता है, हमें लगता है 5 से 7 मिनट टाइम लगेगा और क्रैमर विधि से आप 8 नंबर पाँच आओगे। आव्यूह विधि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्रैमर विधि हमेशा पूछता नहीं, ये भी याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक विधि पे या तो 5 नहीं तो 8 एकदम लिख लो आएगा, या तो 5 या तो 8 आएगा। देखिए क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है बोर्ड पे, लिखा है निम्न समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करें, तो आव्यूह विधि में हल करने में हमने तीन चीज निकालना सिखाया था अभी, यक्स ए और बी, वो तीन चीज पहले आप निकाल लेंगे, ठीक है, वो तीन चीज़ पहले आप निकाल लीजिए। तो यहाँ देखें, पहले आप निकालिए, याद रखना इसमें एक चीज़ हमको मानना पड़ता है, जब इस टाइप का समीकरण हल करना है तो ए एक्स बराबर बी मानना पड़ता है, याद रखना इसका एक फार्मूला है, आव्यूह विधि से जब भी आपको समीकरण हल करना है तो यहाँ पर हमारे पास एक रूल होता है, आव्यूह विधि समीकरण हल करना तो ए एक्स इक्वल टू बी, इसका रूल है, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, बी। अब हमको इस ए को इधर भेज देना होता है, तो यक्स इक्वल टू बताइए क्या आता है, ए इधर जाएगा ना, तो बट्टे चला जाएगा, बट्टे जाने का मतलब है ए इनवर्स बी। बोलो समझ में आ रहा है, ए इनवर्स क्या, बी, ए इनवर्स कहाँ से आया, ए को हमने उस साइड भेजा। अब यहाँ अब लिखिए सारे समीकरणों से, समीकरणों से पहले आप किसका मान निकालेंगे, यक्स का मान, यक्स का मान बताएं क्या होगा, यक्स वाई जेड, जो तीन चर राशियां हैं, बोलो इतना कर सकते हो। सेकंड ए का मान लिखिए, ए का मान देखें जो अंक होगा सारा, दो एक एक एक, इसका ध्यान है माइनस है, ठीक है, माइनस थ्री, जहां माइनस माइनस लिखिएगा, थ्री टू
ये हो गया। अब एक चीज और बचा है, क्या? बी। बी बताइए क्या होगा, जो बराबर के बाद होता है वो बी होता है, 1 1 5। ये बताओ, तीनों चीज निकाल लिए। अब देखो, हमारे पास समीकरण हल करने का यही तरीका है। ये बताओ, एक्स का मान आप देख रहे हो, बी का मान आप देख रहे हो, लेकिन ए इनवर्स का मान है क्या आपके पास? बोलिए। तो यहाँ ए इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। तो ए दिया है ना, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? बोलो, सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? इनवर्स निकालना सीखे हैं ना? तो कैसे निकलेगा? पहले लिखेंगे दिया क्या है, ऐसे ये आव्यूह है, ध्यान देना। लिखेंगे आव्यूह ए के संगत, पहले सारणी बनाएंगे। संगत क्या बनाएंगे? सारणी। उस आव्यूह ए का संगत जब सारणी बनाइए, तो इसको सारणी के रूप में लिख दीजिए, ठीक है? और ये सारा मान पहले लिखिए, 2 1 1 1 -2 -3 3 2 4। बोले, यहाँ समझ में आ रहा है? सारणिक का मान निकाल लीजिए। तो सारणिक ए का पहले मान निकाल के चेक करिए हल हो पाएगा या नहीं होगा। अब यहाँ से देखो, वही पुराना मेथड करना है। ए इनवर्स पहले निकालिए। तो ए इनवर्स निकालना हमें सीखा है, तो पहले इसको हल कर लें। तो सारणिक का मान निकाल लीजिए। देखिए, डायरेक्ट निकाल रहा है। 2 को लेकर प्रसार करेंगे, बताइए क्या आएगा? 2 को लेंगे ना, तो ये 2 2 2 4 8, अब प्लस हो जाए क्योंकि बीच में माइनस होता है। 3 2 6, माइनस 1 को लेकर प्रसार करें, तो ये और ये गायब हो जाएगा। 4 1 4, अब 3 3 9, देखे 4, अब बीच में माइनस होता है, गुणा करने पर भी माइनस आ रहा है, क्या हो गया? प्लस। अब प्लस 1, इस 1 को लेकर प्रसार किया, तो बताओ क्या आएगा? इस 1 को लेकर ये गायब हो जाएगा, ये यानी 2 1 2, अब माइनस 6, 2 माइनस तो सूत्र का, अब गुणा करने पर 6, यानी प्लस 6। बताएं कितना है? 2 - -2 - 1 - 13, अब प्लस 1 - 8, कुल आया -4 - 13 + 8, 13 4 17, और 17 + 8 कितना आया? 1.5 का मान -9 आया। बोलिए, अब ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं, पहले ये बताएं। ए इनवर्स का अस्तित्व लिखेंगे यहाँ, ऐसे लिखेंगे, यहाँ ए सारणिक ए का जो मान है 0 नहीं आया, ठीक है? इसलिए इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, तो इस समीकरण को हम हल कर ही नहीं पाते। समीकरण हल नहीं होने का क्या मतलब है? कोई हल नहीं आता इस समीकरण का, ठीक है? अब क्या करना है आपको? ए के सहखंड सब बनाइए और लिखिए सारणिक ए के, क्या निकालेंगे हम? सहखंडज। कल बताया था सारा चीज, तो ए के सहखंडज क्या पहले निकालेंगे? A11 पता है, A11 मतलब 11 12 13 21 22 23 31 32 33, और प्लस माइनस भी याद रहे। A11 निकालिए, A11 कितना होगा? -2 -3 2 4, हम डायरेक्ट ही निकाल रहे, आप सोचते रहिएगा। ये ले, इसको लेंगे ना, ये 11 यही है, इसका रो और कॉलम गायब हो जाएगा, ये 4 बचेंगे, तो कितना होगा? -8, अब बीच में माइनस होता है, सूत्र का याद रहा है, 3 2 6, ये भी माइनस आ रहा है, क्या हो जाएगा? प्लस। कितना आया? -2। बोलो, समझ में आ रहा है? फिर 11 के बाद क्या निकालेंगे? 12, और याद रहे प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब देखें, ये वाला 12 पे ये होगा, 11 12, तो 12 पे ये होगा, तो इसका रो और कॉलम गायब, ये 2 बचेंगे और ये 2 बचेंगे, यानी कि 1 बचा 3 बचा 1 बच गया 4 बच गया। इसको हल करें, देखो आगे माइनस है, 4 1 4 - 3 1 3, सही है? घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा, 4 में 3 घटाएंगे, आगे माइनस है, -1। बोले, यहाँ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलो, ए अब 1 3 की बारी है, 1 3 निकाल लीजिए। ए 1 3 कितना होगा? ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, 1 3 - 2 2, 1 3 - 2 2। बोले, यही आएगा ना? कितना होगा? 2 1 2,
अब बीच में माइनस होता है, अब गुणा करने पर भी माइनस आ रहा, इसलिए प्लस कितना हुआ 8। बोलो सही है। चलिए 1 3 के बाद कहाँ पहुंचेंगे, अब 2 1। ठीक है, 31 हो गया, यहाँ 13 हो गया, 11 12 13, फिर 21 22 23। तो 21 का मतलब ये पहला रो खत्म, अब दूसरे रो में आया तो ये मिला, तो ये गायब और ये गायब, यानी क्या बचेगा 1 1 2 4। लेकिन बताएं यहाँ कोई चीज़ गलत हो रहा है, बताएं क्या हो रहा है, माइनस छूटा, क्यों माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, हल करें तो आ गया माइनस, और 4 1 4 माइनस 2 1 2 बताइए कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। बोलो माइनस 2 क्यों आया, 4 में से 2 घटाओगे 2 आता है, आगे माइनस है माइनस 2। अब 21 भी आ गया, अब क्या निकालेंगे 22, 22 कितना होगा, ये वाला है ना 22 पे ये है, इसको आप छोड़ दीजिए, रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये 2 बचेंगे, ये 2 बचेंगे, यानी कि 2 बचा 3 1 4, कितना आएगा 4 2 8 माइनस 3 बताएं कितना आया 5। अब 2 3 की बारी है, 2 3 याद रहे 2 3 माइनस होगा क्योंकि ऊपर वाला प्लस है, तो 2 3 में देखें ये और ये गायब, 2 3 1 2 2 3 1 2 माइनस 2 2 4 और 3 1 3, ये भी माइनस 1 आ गया। बोलो सही है, सही है ना। अब ध्यान दीजिए, ए 2 3 हो गया, अब किसकी बारी है 3 1 का, 21 22 23 हो गया, अब 31 32 33, 31 बताएं कितना होगा, अब इसकी बारी है ना, थर्ड रोम अब फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये गायब हो जाएगा, ये गायब 1, ये ही 4 बचेंगे, 1 बचा माइनस 2 बचा 1 बचा और माइनस 3 बचा, गुणा कर लो माइनस 3 1 माइनस 3। ठीक है, बीच में तो माइनस होता है, अब गुणा करने पर भी देखो माइनस आ रहा है, 2 1 2 माइनस 2 आ रहा है, तो ये प्लस 2 हो गया, यानी कि माइनस 1 आया। अब ए 3 2 की बारी, देखो ये माइनस होगा, 3 2 निकाल लीजिए, ये 3 2 है, ये वाला ये गायब हो जाएगा, ये यानी 2 1 1 माइनस 3, 2 1 1 माइनस 3 माइनस, देखो कितना हो रहा है, माइनस 3 2 6, और बीच में माइनस 1 1 1, कुल कितना आएगा माइनस 7। आइए आगे भी माइनस है, इसलिए सिर्फ क्या आएगा 7 आएगा, प्लस 7 हो जाएगा। अब एक चीज और बचा है, क्या बचा 3 3, प्लस में होगा 3 3, निकाल लीजिए 3 3 कितना आएगा, चेक करें, ये और ये गायब, 2 1 1 माइनस 2, 2 1 1 माइनस 2, देखें कितना आएगा 2 2 माइनस 4, अब बीच में माइनस 1 यानी कि माइनस 5। बोले इतना समझ में आ रहा है, ये तो पीछे हमने किया था, ये आप जानते भी हो। अब क्या करेंगे, शाखंड जो निकाले हैं और इस शाखंड जो से निर्मित हम एक आव्यूह बनाएंगे। ठीक है, शाखंड जो से निर्मित क्या बनाएंगे, आव्यूह बनाएंगे, आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे, एडजॉइंट निकलेगा, एडजॉइंट से ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने के बाद यहाँ ले चल के हमको रखना, थोड़ा यहाँ ध्यान दें एक बार, यहाँ थोड़ा सा एक बार एक अंक मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए, ए 1 3 1 2 में ए 1 2 ये रहा, ये आपका ए 1 2 है, इसका रो और कॉलम जो गायब हुआ है, तो 1 3 माइनस 3 और 4 बचे गए हैं, तो हमने 1 3 और 1 4 लिख दिया था, तो माइनस 3 4 होगा, यहाँ माइनस 3 4 कर लीजिए, अब गुणा करने पे प्लस 9 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 9 और 4 13 माइनस 13 हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को करेक्शन कर लीजिएगा, सभी चीज़ हमने निकाल रखा था अभी। ठीक है, स्पेस कम था, हमने मिटा के अभी यहाँ लिखा, अब हमको क्या करना है, इन जो अवयव निकले हैं इससे स्वखंडज एक आव्यूह बनाए, स्वखंडजों से निर्मित एक आव्यूह बनाएंगे, अब लिखेंगे स्वखंडजों से निर्मित क्या बनाएंगे आव्यूह, और नए आव्यूह का नाम आपको पता है क्या देना है बी, इतना जानते हैं ना। अब बी बनाइए तो माइनस 2 13 8 2 5 1 1 7 5,
अब ए इनवर्स निकालने का टोटल तरीका जानते हैं, ठीक है। बी निकल गया, अब हम इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल, और एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है ये भी आप जानते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू हम जानते हैं बी का क्या निकाला जाता है, परिवर्त आव्यूह, बोलो ए होता है ना, तो बी का चलिए परिवर्त आव्यूह निकाल दीजिए, रो को कॉलम बना दीजिए। ये देखिए ये कॉलम है ना, कॉलम को हम रो बना देंगे, यानी कि -2 -2 -1, ये इसको ये रो कॉलम है, रो बना दीजिए, -13 -5 -7 -8 -1 -5। अब आपको एक चीज और करना है, ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एक ही बात हुआ, ऊपर लिखो या साइड में लिख लो कोई वो नहीं है। अब 1 बाई मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए का मान कितना निकाल रखे थे, कितना है माइनस नौ। अब देखें ए डिटर्मिनेंट ए का मान माइनस नौ हमने पहले निकाल रखा था, इसका मान माइनस नौ और मैट्रिक्स कितना है -2 -2 -1 -13 5 7 8 -1 -5। यहाँ आपको एक काम और करना है, इस माइनस नौ का अंदर गुणा कर देना, ठीक है। यहाँ पे माइनस नौ का आपको अंदर गुणा कर देना, और याद रखिएगा सबके बट्टे जाएगा, यानी कि बताएं क्या आएगा, -2/9 मतलब माइनस माइनस कैंसिल, 2/9 यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल 1/9, यहाँ 13/9 माइनस माइनस कैंसिल, -5/9 -7/9 ये देखिए गुणा कर दे रहे हैं, 8/9 माइनस माइनस कैंसिल 1/9 फिर माइनस माइनस कैंसिल तो 5/9 ये ए इनवर्स आ गया, ठीक है। ये हमने ए इनवर्स निकाल लिया, अब हमको निकालना है ये इस चीज़ में, ये सारा चीज़ जो निकाल रखे यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ याद रखना एक बात, एक चीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बात हम आपको और बता दें, ऑलरेडी पहले ही हम बी मान चुके थे ना, तो इसको आप परिवर्त आव्यूह को बी न मान के इसको सी मान लीजिए, ऐसा इसलिए कि पहले तो हम बी इसमें, अब ये जो सारा मान हमने निकाला हुआ था, एक्स का मान था आपके पास, ठीक है, बी का भी मान था, और ए इनवर्स हमने निकाला हुआ था, ये समीकरण एक हमने बनाया हुआ था उसमें ले चल के रख दिया जाए, ठीक है। सारा मान देखिए हमने रख दिया, अब इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करना है एक्स वाई जेड जैसे है वैसे रहने दीजिए, और वहाँ देखें अब इनका गुणा कर दीजिए, गुणा आप सीखे है ना, गुणा कैसे करना है, रो इनटू कॉलम ये होता है ना, तो पहले देखो गुणा किसका किसमें करना, सबका प्लस करते जाना, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, ये पढ़े हैं आप, 2/9 का 1 में करेंगे तो वही होगा प्लस, फिर 2/9 बोलो होगा ना, फिर प्लस इसका इसमें करेंगे तो 5/9 बोलो सही है, पहले का हो गया, अब दूसरे का करो फिर उसी तरह, पहला कितना होगा 13/9 ये माइनस है, इस एक में करेंगे तो -5/9 इनका इनका गुणा करें -5/9 फिर 7 का इसमें करेंगे तो -7/7 = 35/9 ठीक है, फिर इसका कर दीजिए उसी टाइप से तीनों का -8/9 ये 1/9 प्लस 1/9 और इसका इसमें करेंगे तो +25/9। अब हल कर लीजिए, देखिए क्या आता है, एक्स वाई जेड हल करें, हर बराबर है ना, ऊपर वाला सीधे सीधे जुड़ जाएगा, 9/9 हो जाएगा, नीचे देखें यहाँ भी हर बराबर है, कितना होगा 35 + 5 = 40 और 40 में से 13 घटाएंगे 27 -27/9 और यहाँ देखें 25 + 1 = 26 26 में से 8 घटाइए 18 18/9। अब ये पूरा कट गया, एक्स वाई जेड कितना आएगा, 1 9 से 9 भाग करेंगे, 1 से 9 कट गया एक बार में, अब फिर 9 से 27 कटेगा -3 बार में, और 9 से 18 कटेगा कितनी बार में, 2। तो लास्ट में लिखेंगे, अतः जो हमारा आंसर होगा ध्यान देना,
x की वैल्यू x के सामने, y की वैल्यू y के सामने और z की वैल्यू z के सामने, यही हमारा दिए गए युगपत समीकरण का हल होगा। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन में हमको x y z निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा लोगे, अपना प्रयास करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन लगा लीजिएगा।